जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मेरी लाइफ की एक सबसे बड़ी ड्रीम पूरी होने जा रही है, क्योंकि आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है रैपिंग इंडस्ट्री के बाप, द वन एंड ओनली मिस्टर रफ्तार। हाथ जोड़, इससे पहले हाथ छोड़ तू, भाग दौड़ अपने साथ चले चार जोड़ तू। ज्यादा वेट ना करते हुए चलिए आपको लेके चलते हैं रफ्तार सर की वैरायटी पे और करते हैं उनके साथ कुछ स्पेशल डिस्कशन। दिलीन नायर ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो अब आप लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हो, कैसा फील होता है सर? आप बड़ा नॉर्मल फील होता है। ऐसा फील होता है कि यही नौकरी रोज निभानी है ताकि कल भी उस मुकाम पे रहूं। क्योंकि मुकाम पे पहुंचना आसान है, वहां रहना मुश्किल है। Yes, of course. That's right. और सर, मैंने एक इंटरव्यू में आपके पढ़ा था कि आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव तो करते हो बट आप मंदिर नहीं जाते, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे लिए हर जगह भगवान है। मैं किसी को उल्टा बोलने से पहले दो बार ही सोचता हूँ कि मेरे को वो देख रहा है। तो मेरे को वो कहीं जाके जस्टिफाई नहीं करना पड़ता। माय गॉड कम्स फ्रॉम हाउ आई ट्रीट माय इक्वल्स एंड नॉट इक्वल्स। मैं एक बात बताना चाहूंगा मैक्स के बारे में कि मैक्स को मैंने बहुत ज्यादा देखा है मंदिर जाते हुए, स्पिरिचुअल चीजें बिलीव करते हुए नहीं देखा। बट मैंने मैक्स को, रफ्तार को देखा है लोगों की हेल्प करते हुए। बहुत सारे ऐसे लोगों ने, हमारे फ्रेंड्स ही हैं जो कोविड में जिन्होंने काफी कुछ लूज किया। नहीं, मतलब मेरा यही है कि ऑलवेज देयर, यही ऑन ग्राउंड, एज अ फ्रेंड ऑन ग्राउंड देख रहा है भगवान। देयर इज नो लेटर, यही देख रहा है, यही हो रहा है। और एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हो? माई पेरेंट्स ट्रूली डू। मेरे तो वो मेरे स्टार साइन के हिसाब से ही चलते हैं। अच्छा, मेरे हमारे वहाँ स्टार साइन। एंड व्हाट अबाउट यू, यू बिलीव? यार कभी कभी वो बिल्कुल सही बोलते थे तो मैं ध्यान जरूर हो जाता। जो लिखा होता है वो उस दिन में मेरे साथ, मतलब मेरे साथ दिन में हुआ है और मैं रात को ऐसे पढ़ लिया है। हाँ। बहुत लोग है जो आपके सामने एस्ट्रोलॉजी का लेके आ जाते हैं। हाँ। तो पढ़ लिया मैंने, यार ये हुआ तो हुआ है एक्चुअली। आपका बर्थडे मैंने देखा था। मैं डिनाई किसी चीज को नहीं करता। हाँ, obviously, good, that's very good. I'm not a non-believer. I just wait till it is factual to me. Of course. Sir, मैंने आपका बर्थडे देखा था 16th November, right? तो आपको एक गाइडेंस ही मैं दूंगी एस्ट्रोलॉजी से, जो मैं खुद से आपके लिए लेकर आई हूँ। आप 7 नंबर केतु से बिलोंग करते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आप अपनी मॉम को जितना अपने साथ अपने करियर पे रखोगे ना, ऑल्दो यू आर वेरी गुड सेलिब्रिटी, आपको अच्छा से सीधा मम्मी के पास, क्योंकि उतना ही बूम फैलाओगे सर आप। बिकॉज मेरा वैसे भी बहुत प्यार है मेरे लाइफ में, उनके अलावा कोई है नहीं, मैं उन दोनों का इकलौता सलीम हूं। सो स्वीट। तो ये मम्मी जितनी इनके लिए लकी है उतनी मेरे लिए भी लकी है। उनके मैसेज, एक मैसेज से मेरा दिन बन जाता है। और एक प्रेडिक्शन सर, मैंने टैरो कार्ड्स के भी बैठे बैठे ली थी आपके लिए, बिकॉज आपकी एनर्जी में साथ कनेक्ट हुई थी। आई वाज सीइंग यू इन द ग्राउंड। तो 5 to 6 मंथ्स में आप एक बहुत बड़ी बिग प्रोजेक्ट करने वाले, जितना आप तो अभी बड़े बड़े कर रहे हो बट इससे भी बड़ा करने वाले हो विद इन 2-5 to 6 मंथ्स। Done. Thank you so much.